Hi friends, Dr. Gunjan Gupta Govil for you. Going to talk today about treatment of Asherman syndrome. Is it possible? पहली चीज Asherman syndrome क्या होता है? Asherman syndrome, जैसे मैंने अपने वीडियो में आपको पहले ही बताया हुआ है, काफ़ी डिटेल में आप वो वीडियो देख सकते हैं. ब्रीफली स्पीकिंग, इसको हम कहते हैं यूट्राइन एडहेशंस या यूट्राइन साइनिकी का भी नाम होता है. इस 1948 में जोसेफ एशरमैन ने ये कंडीशन सबसे पहली बार डिटेल में बताई थी और जर्नल में ये पब्लिश हुई थी. तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि यूट्रस के अंदर जो है आपकी जो दीवार होती है वो चिपक जाती है, तो एडहेशंस बन जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है. देखिए, कहीं पर भी अगर हीलिंग होती है, अगर हमारे हाथ में भी यूं कट लगता है, अगर वो जुड़ता है तो एक निशान छोड़ता है. सिमिलरली अगर बच्चेदानी अंदर से डैमेज होती है तो एक निशान छोड़ती है, वो सिकुड़ जाती है जहाँ से जुड़ती है, एंड दैट इज़ वाई एडहेशंस बन जाते हैं. जब वो सिकुड़ती है तो बच्चेदानी के अंदर की जगह कम हो जाती है. जगह कम होने से क्या होता है, पेशेंट किस चीज़ से प्रेजेंट, या तो आपकी क्योंकि लेयर प्रॉपरली बन नहीं रही है और निकल नहीं रही है, या आपका जो यूट्रस का माउथ है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं वहाँ पे रास्ता बंद हो गया है, तो इस वजह से आपको जो है ब्लीडिंग कम होती है या नहीं भी हो सकती है, दैट इज़ हाइपोमिनोरिया या एमिनोरिया. और दूसरी चीज़ें जो होती हैं कि अगर मान लीजिए आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, बिकॉज ये फाइब्रोटिक टिश्यू होता है, इसकी ब्लड सप्लाई पुअर होती है और इस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो. या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो भी गए तो क्या होता है, ये बेबी जो है ये ग्रो नहीं कर पाता, जिस वजह से रिपीटेड मिसकैरेजेस हो सकती हैं. सो ये कम कॉमन प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको क्रैम्पिंग सेंसेशन या पेन रहता है, एक हैवीनेस रहती है नीचे से, क्योंकि क्या होता है, ब्लड या तो प्रॉपरली निकल नहीं पा रहा होता है, या जो एडिशंस होते हैं ये अंदर से आपके बच्चेदानी को अंदर से सिकोड़ते सा रहते हैं, जिस वजह से आपको ये पेन होता है. सो ये जनरल आपके सिम्टम्स होते हैं. ऑफकोर्स नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एशरमैन सिंड्रोम. इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल. ऑफकोर्स एक्सटेंट ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन आपकी सीवियरिटी ऑफ इलनेस क्या है. अगर आपकी माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन होती है, जनरली ये कम्प्लीटली ट्रीट हो जाता है. बट कई बार अगर बहुत डेंस एडहेशंस होते हैं, अगर आपकी जो यूट्रस की बेसल लेयर है, आप एक तरह से समझ लीजिए जो पेड़ की जड़ है, अगर जड़ से आपकी जड़ें गल गई हैं या आपकी जो बेसल लेयर ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वहाँ से डैमेज हो गई है, तो हो सकता है ट्रीटमेंट ना पॉसिबल हो. बट मजॉरिटी ऑफ द केसेस द ट्रीटमेंट इज पॉसिबल एंड द रिस्पॉन्स इज बेस्ट इफ वी ट्रीट अर्ली. तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, If you are suspecting yourself to be having, please आप जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करिए. अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कंसल्ट एंड द डॉक्टर विल इवेल्यूएट यू, जिससे आपको पता चल जाएगा कि है कि नहीं है. अब बात ये हुई कि हमारा जो है इवेल्यूएशन हुआ और हमें पता चला कि एशरमैन सिंड्रोम है. सबसे पहले जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि ज़्यादातर जो डायग्नोसिस बेस्ट होती है वो हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा होती है. हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है? हिस्ट्रोस्कोपी एक कैमरा, दूरबीन के द्वारा हम बच्चेदानी, अब नेचुरली बच्चेदानी इतनी छोटी सी चीज़ है, हम खोल के तो ऐसे देख नहीं सकते ना, और हर एक का ऑपरेशन करके खोलेंगे तो उसमें भी कुछ दिखेगा नहीं और हम और डैमेज कॉज करेंगे. एशरमैन सिंड्रोम को डायग्नोस कैसे करते हैं और ट्रीट करते हैं? हिस्ट्रोस्कोपी की टेक्निक के द्वारा, विच इज लाइक अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, इसको ये एक पतला सा टेलीस्कोप है, अगर आप देखो तो ये रिफिल जितना पतला है, इसको हम नेचुरली इसको आराम से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसकी एक आउटर शीट होती है, जैसे मैंने कहा आई विल शो यू ये हिस्ट्रोस्कोप कैसे की जाती है, जैसे आपको भी आइडिया लगे कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस की है तो आप कैसे करवाओगे. तो ये आउटर शीट में जाके ये फिट हो जाती है. इसका यहाँ पे एक लाइट की केबल लग जाती है और पीछे एक पूरा कैमरे का सिस्टम लग जाता है. तो ये जो सिस्टम है ये रिले होता है एक स्क्रीन पे. तो हम करते क्या है, हम इसके ये जो बच्चेदानी है, एक मेरा ये मॉडल है यूट्रस का, तो इसमें वजाइना के द्वारा, पेशेंट जनरली अगर हम
ट्रीटमेंट जब कर रहे होते हैं अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, तो हम इधर सर्विक्स के द्वारा बच्चेदानी के रास्ते होते होते हम यूट्रस के टॉप तक पहुंच जाते हैं, और फिर हम इसकी डायरेक्शन रोटेट कर करके देख सकते हैं कि हमारे यूट्रस या बच्चेदानी अंदर से नॉर्मल है कि नहीं, इसकी ट्यूबल ओपनिंग्स नॉर्मल है कि नहीं। और सपोज यहाँ पे एशरमैन है, मतलब यहाँ पे कुछ भी दीवार चिपकी हुई है, यहाँ चिपकी है, यहाँ चिपकी है, कहीं पर भी चिपकी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक पतली सी फाइन सी सीजर, दिस इज अ वेरी वेरी फाइन सीजर जिसकी 5 mm से भी छोटी इसकी वो होती है थिकनेस एंड पॉइंट, इसको हम इसके थ्रू डालते हैं जैसे कि कोई इंजरी ना कॉज हो। ऑफ कोर्स दीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड टेक्निक, तो इसके थ्रू हम सीजर पास कर सकते हैं। सो इसके थ्रू जब सीजर हो जाता है तो ये यूट्रस के अंदर जाके देख रहे हैं, एंड वी आर सीइंग ऑन अ स्क्रीन ह्यूजली मैग्निफाइड, एंड बाय फाइन स्निपिंग मूवमेंट्स ऑफ द सीजर्स हम सारे एडिशंस जो होते हैं यूट्रस के अंदर उसको कट कर देते हैं। तो जब हम ये कट कर लेते हैं तो कैविटी वापस एनलार्ज हो जाती है, और हिस्टोस्कोपी के दौरान जो होता है हम यहाँ से वाटर जेट्स, मतलब बेसिकली सलाइन जेट्स से पंप कर रहे होते हैं, तो हमारी यूट्राइन कैविटी एक बलून की तरह फूली होती है पानी के द्वारा, और इससे जब हम सेपरेट करते हैं तो वो कैविटी फिर से एक्सपैंड कर जाती है, तो जो चीज़ ऐसे चिपकी हुई थी वो ऐसे करके खुल जाती है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हिस्टरोस्कोपी एंड ट्रीटमेंट ऑफ एशरमैन्स, कि वी आर एबल टू ट्रीट इट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि Do we always need IVF after treatment of Asherman syndrome? Well, no. But yes, we need IVF in a significant number of patients because इनकी endometrial lining बहुत अच्छे से develop नहीं हो रही होती है। तो जब हम ये snipping movement से हम जब cavity को expand कर लेते हैं, उसके बाद generally हम इन्हें hormonal support with estrogen tablets देते हैं। ये estrogen tablets से क्या हो जाता है, जो uterus की layer या endometrium में उसकी healing हो जाती है, वो अच्छे से grow करना शुरू कर जाती है। और कई कभी कभी ऐसा भी होता है कि hysteroscopy करने के बाद balloon या फिर जो कॉपर्टी IUD डिवाइसेस होते हैं वो उसको भी छोड़ा जाता है टेम्परली 2-3 हफ्ते के लिए, जैसे कि वो जो वॉल्स हमने सेपरेट किए वो आपस चिपक ना जाए। बट जनरली आजकल वी अवॉइड पुटिंग एनी IUD या बलून्स, बिकॉज कहा जाता है, कुछ रिसर्च ये भी आई है कि उसकी वजह से एडिशंस की रिफॉर्मेशन हो सकती है। बट हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हिस्टरोस्कोपी कई बार हमें रिपीट भी करनी पड़ सकती है। देयर आर पेशेंट्स जिनमें वी हैव डन रीलुक कि हिस्टरोस्कोपी की हमने ना उसी समय बता दिया था पेशेंट को। आई हैड दिस पेशेंट ऑफ माइन हु हैड लाइक डेंस एडिशंस, डेंस मतलब बहुत ज़्यादा थे, और उसकी एक तरफ की जो यूट्राइन कैविटी है, एक तरह से आप समझ लो इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर दो, आधी रह गई थी, और नेचुरली वो कंसीव ही नहीं कर रही थी। उसको आई थी मेरे पास IVF कराने, जब हमने कहा हिस्टोस्को, क्योंकि जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो हमें दिखा कि ये जो है इसकी कैविटी में कुछ अंदर गड़बड़ है, कुछ एडिशन जैसा दिख रहा है। बट जब हमने की हिस्टोस्कोपी तो देखा ये तो और ज़्यादा है, मतलब इधर का हिस्सा था ही नहीं। एंड देन वी डिड ऑफकोर्स यहाँ से कट करते 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 करके वी रीच्ड हियर, कैविटी काफ़ी एनलार्ज की, बट हमने उसको उस समय ही बता दिया था यू मे नीड अ सेकेंड लुक हिस्टरोस्कोपी। एंड 3 months बाद वी हैड टू एक्चुअली, क्योंकि उसके बाद भी इतना ऑप्टिमम इट वॉज बेटर, बट हमें फिर भी नहीं लगा कि कैविटी उतनी एडिक्वेटली ग्रोन है, सो वी डिड अ सेकेंड लुक हिस्टरोस्कोपी इन हर केस। और जब 3 महीने बाद हमने किया सो दैट वी कुड अचीव अ कम्प्लीट कैविटी, और उसके बाद हमने जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, शी वॉज ब्लेस्ड विद ट्विंस, एंड वो ट्विन प्रेगनेंसी फुल टर्म तक गई, ना तो उसकी कोई मिसकैरेज हुई, ना ही उसकी कोई प्री मेच्योर बेबी हुई, बिकॉज उसकी कैविटी इतनी ब्यूटिफुली एनलार्ज हो गई थी। बट हियर द डॉक्टर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ओवर ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो लीड टू वीकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस। तो उस केस में जो है तो दैट इज़ वेयर द डॉक्टर्स प्रिसिजन एंड डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें कितना करना है, कितना सेपरेट करना है, क्या करना है। दिस पेशेंट एज आई सेड शी हैड हर ट्विन डिलीवरी एंड एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुल। सो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं मेरे पास जिनके बारे में मैं एक अगले वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द वॉरियर्स ऑफ एशरमैन सिंड्रोम, जिसमें मैं बताऊँगी 2-3 स्टोरीज की पेशेंट की कि कैसे कैसे हमने एशरमैन सिंड्रोम को ट्रीट किया है। सो मेरा ये कहना है कि डोंट गेट होपलेस अगर आपको ये डायग्नोस बनती है या somebody says that you are having Asherman syndrome. Of course, treatment at times can be difficult, but treatment is possible in majority of the cases.
So go to a proper doctor, get yourself properly treated, and of course the results would be beautiful. Mostly क्या है, अगर आपको periods कम हो रहे हैं तो आपके periods आने start हो जाते हैं, या फिर bleeding अगर बिल्कुल नहीं हो रही होती तो at least better होनी शुरू हो जाती है, and of course conception नहीं हो रहा है तो conceive हो जाता है. And conception के लिए yes हमें जो हम कहते हैं assisted reproductive technology का कई बार सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में ज़्यादातर अंदर से tubes की opening और tubes और क्योंकि infections और इन सब की history रहती है तो वो damaged होते हैं, तो इस वजह से natural conception कई बार possible नहीं होता है. So I hope you enjoyed my this video on hysteroscopic treatment of Asherman syndrome, and if you like it then please share and subscribe to my channel Gunjan IVF World, and you can visit our center as well, because now we are located in Janakpuri, Delhi, Indirapuram, Ghaziabad and Meerut. Bye bye.